रेस्टोरेंट, तो मैंने सुना है कि इधर का बिरयानी और जो भी आइटम है वो बहुत ही अच्छा प्राइस में और बहुत ही टेस्टी मिलता है। तो मैं खाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे क्या टेस्ट है और इसका प्राइस वगैरह सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो चलो अंदर जाके देखते हैं। इस जगह का टाइमिंग क्या है? इस जगह का टाइमिंग तो सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है, लेकिन हमारा यहाँ खाना पीना सुबह 11 बजे से चालू होता है। बेसिकली यहाँ लंच से शुरू होता है और अच्छा रात को 11 बजे तक खुला रहता है। अच्छा, और खाना क्या क्या मिलता है, मतलब सब कुछ मिल जाता है? हाँ, सब कुछ बोलो तो यहाँ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज ऐसा भी मिलता है। चेक करके बताता हूँ कैसा क्या टेस्ट है। और इस बिरयानी का प्राइस 100 रुपीज़, और ये चिकन हंडी है इसका भी प्राइस 120 रुपीज़। इसमें 4 पीस चिकन मिलता है, और टेस्ट क्या है वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। बिरयानी का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है और देखने में तो अच्छा लग रहा है और स्मेल भी बहुत मस्त आ रहा है। तो चेक करके बताता हूँ कि कैसे क्या। पहले आलू को टेस्ट करते हैं कि देखा है कैसे बना है। पहले आलू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे सोचा उससे भी ज़्यादा अच्छा है खाने में। चिकन का क्वांटिटी देख लो भाई, 500 ग्राम का होगा लगभग। तो कलकत्ता का बिरयानी इधर तो आलू मिलेगा ही मिलेगा। मज़ा आ गया। और इसके साथ भी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका भी चिकन का साइज है, मतलब बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलेगा ये सब कुछ। इधर बहुत सस्ते में मिलता है, कोई GST टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगता है। खाने का टेस्ट बहुत लाजवाब है। तो चलो खाते करते बात करते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ तक था और हमारा टोटल बिल आया 100, मतलब बिरयानी का प्राइस है और 120 रुपीज़ चिकन हंडी का प्राइस है। तो टोटल एस्टिमेट बिल आया 320 रुपये।
और कोका कोला का एक्स्ट्रा।